राज्यों के निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को बंद करने व केंद्र सरकार के श्रम कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ सीटू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हमीरपुर में भी रैली निकाली गई और गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सीटू के राज्य सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। राज्यों के निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को बंद करने व केंद्र सरकार के श्रम कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ सीटू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हमीरपुर में भी रैली निकाली गई और गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सीटू के राज्य सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। सीटू का आरोप है कि कल्याण बोर्डों को बंद कर केंद्र सरकार मजदूरों को मिलने वाले लाभ को रोकने का काम कर रही है और इसके अलावा ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा जो निर्माण कामगार से संबंध नहीं रखते हैं। हमीरपुर में गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन में निर्माण कामगारों के अलावा मनरेगा मजदूर भी शामिल रहे। सीटू के राज्य सचिव ठाकुर कश्मीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों को भंग कर उसका सारा पैसा प्रधानमंत्री कोष में देने की बात कर रहा है जो कि सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर मनरेगा के बजट में कटौती करने और सही दिहाड़ी ना देने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 30 सितंबर को मजदूर संगठनों का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी निर्णयों के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। वहीं हमीरपुर में आगामी दिनों में इसके विरोध पर ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज सीटू के राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में मजदूर और किसान मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। मजदूर तो खासकर उन मांगों को लेकर कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार देश के सारे श्रम कानूनों को बदल रही है और उसमें खासकर आज जो ये मनरेगा वर्कर आए हैं 1996 में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट बना था, उसके बाद कल्याण बोर्ड बने हर राज्य में। मोदी सरकार का यह फरमान है कि राज्यों के कल्याण बोर्ड भंग करने हैं और सारा पैसा प्रधानमंत्री कोष में जाएगा। इसका मतलब है कि हिमाचल का, पंजाब का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का सारा कल्याण बोर्डों का पैसा प्रधानमंत्री कोष में जाएगा और हम सीआईटीयू की तरफ से इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं कि पहली बात है कि प्रधानमंत्री कोष में ये कल्याण बोर्डों श्रमिक कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो पैसा है ये जाएगा, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि और तमाम मजदूरों के लिए इस्तेमाल होगा। और हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जो निर्माण मजदूर हैं, हर गांव के अंदर, शहर के अंदर। ये पैसा उनको नहीं मिलेगा बल्कि ये तमाम उन लोगों को भी जाएगा जो इस कल्याण बोर्डों का हिस्सा नहीं है आज। तो मुख्य तौर पर ये आज कल्याण बोर्डों को जो लेकर भारत सरकार का नीति है कि उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक कोड बनाया जा रहा है उसमें मर्ज करना है, उसका हम विरोध करते हैं। और ये कल्याण बोर्ड जैसे पहले थे हर राज्य में उसी तरह से कल्याण बोर्ड रहने चाहिए। मनरेगा में 100 दिन का काम मिलना चाहिए लोगों को और उसका दिहाड़ी भी जो है जो बाकी मजदूरों को दिहाड़ी मिलता हो मिलना चाहिए। अभी नदौन से परसों हमारे दफ्तर में लोग आए, बोले 47 रुपये दिहाड़ी पड़ी दिन की, 47 रुपये, 47 रुपये दिहाड़ी में कौन काम करेगा? और सरकार को सुनती नहीं है। हम डीसी को बोले वो नहीं सुनते, हम बीडीओ को बोले वो नहीं सुनते, नीचे अधिकारी को बोले वो नहीं सुनते। ये अंधी बेरी सरकार है जो मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी आवाज को सुनती है उनके हक में। का मोदी सरकार की नीतियों से है और जब तक नीतियां नहीं बदलेंगी ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं 30 सितंबर को पूरे देश में, दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान का जो मजदूर है, तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा महासम्मेलन हो रहा है, वहां से कॉल जाएगी कि कितने दिन के लिए देश में हड़ताल होगी। और हम हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में कल भोर में प्रदर्शन होगा, परसों सुजानपुर में होगा, इसी तरह से हर ब्लॉक में 9 तारीख को बिजड़ में होगा और इसी तरह से हर ब्लॉक में हजारों मजदूर जो प्रदर्शन करेंगे और सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप आग से मत खेलो, देश के करोड़ों करोड़ों मजदूरों की जिन्होंने आपको सत्य गद्दी पर बिठाया है, आप उनकी रोटी छीनेंगे तो ये मजदूर जो है आपको गद्दी से उतारना भी जानता है, जो बिठाना जानता है।